आज की ये सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है। मुख्य सचिव ने केजरीवाल सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्य सचिव से हाथापाई और बदसलूकी का आरोप लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर बैठक में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट का आरोप है। विज्ञापन के मुद्दे पर कल रात 12 बजे बैठक हुई। आप विधायकों ने भी मुख्य सचिव पर बदसलूकी का आरोप लगाया, पुलिस में शिकायत की है। मारपीट के विरोध में IAS एसोसिएशन ने उप राज्यपाल से मुलाकात की, आरोपी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सफाई में आम आदमी पार्टी ने कहा कि बैठक में राशन कार्ड पर सवाल पूछा गया तो मुख्य सचिव ने विधायकों से कहा कि वो LG के प्रति जवाबदेह हैं, आपके प्रति नहीं। आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले में BJP का हाथ होने का आरोप लगाया। IAS एसोसिएशन के मुताबिक बैठक में CM, डिप्टी CM और करीब 12 विधायक थे जिन्होंने मारपीट और बदसलूकी की। हालांकि बैठक में मौजूद विधायक अमानतुल्ला ने कहा कि मुख्य सचिव ने विधायकों के साथ बदसलूकी की। इसमें ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगती है, तो इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन। अभी तक कोई, उन्होंने खुद तेज आवाज में बात की, प्रकाश जड़वाल से बात की, हमारे अजय दत्त से बात की, तो वो तो सारी चीजें बेबुनियाद हैं और बेबुनियाद चीजें जो है मनगढ़ंत है, और वो किसके इशारे पर ऐसा कर रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं।